आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड और उसकी क्या क्या बीमारियां होती हैं। थायराइड ग्लैंड एक ऑर्गन है जो आपकी गर्दन में होता है। गर्दन में यहाँ पर बीच में थोड़ा लोअर पोर्शन में थायराइड ग्लैंड होता है और उसके तीन पार्ट्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस। ये तीनों पार्ट जुड़ के थायराइड ग्लैंड बनता है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हॉर्मोन्स बनाता है। थायराइड के हॉर्मोन्स हैं T3 और T4, जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ये T3 और T4 पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है वहाँ से कंट्रोल होता है थ्रू TSH, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। सो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन थायराइड को सिग्नल देता है कि कितना T3 और T4 बनाना है। T3 और T4 का रोल है मेटाबॉलिज्म में, यानी कि शरीर को किस गति से चलना चाहिए, और साथ में इसका रोल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। थायराइड में एक और प्रोटीन बनता है थायरोग्लोबुलिन, जो फॉलिकुलर सेल्स में कोलोइड की तरह पर डिपॉजिट हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में ज़्यादातर तीन किस्म की बीमारियाँ पाई जाती हैं। एक है थायराइड की प्रोडक्शन बढ़ना, जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। एक है थायराइड की प्रोडक्शन घटना, जिसको हम हाइपो थायराइडिज्म कहते हैं। और तीसरा, थायराइड में स्वेलिंग, मास या ग्रोथ आना, जो गोइटर भी हो सकता है, नोड्यूल भी हो सकता है और किसी तरह की ग्रोथ थायराइड में हो सकती है। हाइपर थायराइडिज्म उस बीमारी को कहते हैं जब T3 T4 की सिक्रीशन बढ़ जाती है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें T3 T4 बढ़ जाता है और उसके लक्षण ये होते हैं कि हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, वज़न घट जाता है, एंग्जाइटी होती है, हार्ट रेट बढ़ता है, डायरिया हो सकता है और हाइपरकाइनेसिस के सिम्टम हो सकते हैं पेशेंट को। थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कभी कम भी हो सकती है। इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं भूख कम लगती है, वजन बढ़ जाता है, लेथार्जी होती है, कोल्ड इनटॉलरेंस होती है, स्किन कोर्स हो जाती है और कभी कभी हेयर फॉल भी हो सकता है। लेडीज में हाइपोथायराइडिज्म में पीरियड्स की एबनॉर्मेलिटीज भी हो जाती हैं। विद ओवर 1 लाख मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड द फैसिलिटी टू टेलीकंसल्ट, एक्सपीरियंस क्लिनिक लाइक कंसल्टेशंस ऑन प्रैक्टिस।